भैया भैया एक मिनट भैया 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 एक मिनट स्थापित किया गया है। ये पूरी कॉलोनी बसाई जा रही है, किसानों को जो यहाँ लाके 50-50 गज के मकान दिए गए हैं। हमने बहुत सारे किसानों से बात की है, पता चला है कि उन्हें सही से मुआवजा नहीं मिला, तो इस पे आप क्या कहेंगे? किसानों को सही मुआवजा नहीं मिला, 50 गज के प्लॉट दे दिए, जेवर में एयरपोर्ट आने से लेकिन तरक्की के नाम पे इनको मजदूर बना दिया। देखिए इस क्षेत्र में जब हमें पता लगा कि बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, बड़ा लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, तो हमने सोचा, ये सोचकर आए थे यहाँ। सच ये जब इन्होंने चाइना एयरपोर्ट के उनकी वीडियो लेकर यह दुनिया को दिखाया, हमने भी सोचा देश जब मैंने यहाँ के देखा तो जिन लोगों को उजाड़ा गया उनके सर पर छत नहीं थी, वो अपने मलबे को इकट्ठा करके अपने छत के गुजारा कर रहे हैं। या जो हमारी जमीनें थी जो एक बार कर ली गई उनका मुआवजा नहीं दिया, देना चार गुना था, लेकिन उनको शहर को गांव में गांव को शहर में बदलने का एक साजिश करी यहाँ के मौजूदा MLA ने। जब तक उनको मिलना था उन्होंने तो 4 करोड़ का ले लिया, और जब हम इन किसान गरीबों का आया टाइम तो उनको 2 करवा दिया, उसमें इसकी साजिश थी। इस क्षेत्र की ज़मीनें, इस क्षेत्र के रोजगार की बात है, कहीं देख लीजिए पूरे देश में कोई ऐसा सूबा नहीं है जिस सूबे में जहाँ बड़े डेवलपमेंट्स होते हैं, जहाँ बड़े उद्योग बसते हैं, वहाँ के डेवलपमेंट्स के उन लोगों को जिनको उजाड़ा जाता है उनको डेवलपमेंट्स करने का, उनको रोज़गार देने की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। यहाँ उन्होंने उल्टा कानून पास कर दिया कि इस एरिया की ये कसूर था क्या, हमने आपकी ज़मीनें दी, अपने घर उजाड़े, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे नौकरी करने के लिए? क्या गोरखपुर जाएंगे? हमें गोरखपुर में देंगे ड्यूटी? ये साजिश है इस क्षेत्र के लोगों को और ख़ासकर इन गरीब लोगों को, जो BJP की एक रणनीति है, साजिश है, हम उसमें कामयाब होने वाले नहीं है। यहाँ का जनजन दुखी है, यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने, इस सरकार ने कुछ नहीं दिया, लोगों की ज़मीनें लूटी हैं, लोगों के साथ जुल्म और जासी हुई है, या ज़मीन पर कुछ नहीं। इन निवासियों के साथ जो धोखा हुआ, जो अन्याय हुआ है, ये गठबंधन की सरकार अगर आती है और आप यहाँ से विधायक बनते हैं तो आप भरोसा देते हैं कि इनके साथ न्याय दिलाएंगे? निश्चित तौर पर मुझे भरोसा हो गया है कि मैं यहाँ से चुनाव जीतूंगा। पूरे उत्तर प्रदेश में एक नया परिवर्तन आ गया है, अखिलेश भाई की और जयंत भाई की गठबंधन की सरकार बनेगी, ये पहली ऐसी सरकार होगी गठबंधन की जिन पर हर आदमी पूरे प्रदेश का खड़ा होकर, हर समाज का आदमी ये कहेगा ये हमारी सरकार है। ये तो 4 लोगों की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है, यहाँ कोई किसी की सरकार नहीं है। मैं निश्चित तौर पर इन पर भरोसा देने आया हूँ कि इस क्षेत्र में कोई जो भी सरकार हो, प्रशासन हो, या यहाँ का कोई स्थानीय अपने आप को कितना बड़ा आदमी समझता हो, इस क्षेत्र के विकास को, इनके रोज़गार को फिर लाके दूंगा। जितनी समस्याएं हैं उनको उसी दिन दूर करूंगा। और मैं बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं मीडिया के सामने कि इन लोगों ने, यहाँ के मौजूदा विधायक ने, यहाँ की सरकारी ज़मीनें, LMC की ज़मीनें, पंचायत की ज़मीनें जबरदस्ती इन्होंने ज़मीनें हड़पी हैं, उससे करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा किया है और अब ये गुंडाई से राज करना चाहते हैं। हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनते ही इन पर इंक्वायरी बैठाई जाएंगी, इन पर इनके करे की सजा इनको मिलनी चाहिए और हमारे लोगों का विकास हो, इस क्षेत्र का विकास हो। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और गठबंधन के दोनों नेताओं ने कहा है कि 4 गुना मुआवजा देंगे, गारंटी अखिलेश यादव जयंत चौधरी ने दी है, देश की मीडिया के सामने दी है। 2013 में तो कानून पास कर दिया था 4 गुना देने का, लेकिन उसके बाद दिया नहीं। हाँ, तो नहीं दिया गया, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। हमारे दोनों नेताओं ने कहा है 4 गुना दिया जाएगा, कम से कम उससे ऊपर दिया जा सकता है, कम नहीं दिया जाएगा। दूसरा, जो एयरपोर्ट के नाम पर जो शिफ्ट किए गए हैं, जो देश का कानून है, जो देश का कानून देश की संसद ने बनाया, उस कानून को लागू नहीं किया गया,
सरकार गठबंधन की बनेगी तो इस कानून को लागू किया जाएगा, यही संदेश अवतार सिंह बढ़ाना गठबंधन सरकार का। बहुत 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 धन्यवाद आपका। न्याय मिलेगा उन किसानों को जिनके साथ अन्याय हुआ है। ये आर आर कॉलोनी है, यहाँ पर लाकर उन लोगों को बसाया गया है जो वहाँ से जमीन ले ली गई, जहाँ एयरपोर्ट बन रहा है। ये पूरी कॉलोनी में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर पूरी कॉलोनी की को स्थापित किया गया। लोग नाराज हैं, यहाँ के किसान नाराज हैं, यहाँ के मजदूर नाराज हैं, लोगों को मजदूर बना दिया। जो युवा हमेशा रोजगार के लिए आशा लगाए थे कि अगर एयरपोर्ट बनेगा तो यहाँ हमारे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, लेकिन यहाँ पर बोर्ड लगा दिया जाता है, यहाँ पर रोजगार नहीं दिया जाता। इसी खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी, आप जुड़े रहिए।